ऑल राइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ओटीसी मार्केट की एक ऐसी तगड़ी सीक्रेट स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, या फिर कह लो एक ऐसा सीक्रेट प्राइस एक्शन लेके आया हूँ जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के रख देगा। और अगर आज तक आपने कोई भी लॉस किया है तो आप इस स्ट्रेटजी के थ्रू आप अपना पूरा का पूरा लॉस रिकवर करने वाले हो। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है या फिर वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने हजार डॉलर की यहाँ पे पांच ट्रेड प्लेस की थी और ये पांचों की पांचों ट्रेड जो है हमारी विन हो रही है। और ये पांचों की पांचों ट्रेड जो है मैंने उसी स्ट्रेटजी के बेसिस पे प्लेस की थी, जो स्ट्रेटजी मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को छोड़ के बिल्कुल मत जाना। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी पांचों की पांचों ट्रेड जो है विन हो चुकी है और यहाँ पे हमारा लाइव अकाउंट बैलेंस जो हो चुका है वो हो चुका है $30,000, ठीक है। तो अभी आपको मैं बताता हूं कि कैसे आपको इस स्ट्रेटजी को यूज करना है और आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल दिखाई दे रहा होगा, यहां पे मैं जो है डेली श्योर शॉट्स प्रोवाइड करवाता हूं, कंपाउंडिंग करवाता हूं, जिससे मेरे मेंबर्स अच्छा खासा प्रॉफिट करते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहा है मेरे साथ, क्योंकि वो मेरी ट्रेड्स को कॉपी करते हैं, ठीक है। और अगर आप मेरे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो जहां पे हम डेली कंपाउंडिंग करवाते हैं, डेली श्योर शॉट्स देते हैं, तो वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करना एकदम फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं आपको। सिंपली आपको करना क्या है, आपको मेरी कॉर्टेक्स की लिंक से जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उससे आपका कॉर्टेक्स का अकाउंट क्रिएट करना है। देन उसमें $30 या फिर उससे जितना भी ज्यादा आप डिपॉजिट कर सको उतना डिपॉजिट करके मुझे अपनी ट्रेडर आईडी TWR support here पे सेंड कर देना, तो मैं आपको वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। बाकी आपको अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जहां पे आपको बहुत नॉलेजेबल कंटेंट्स मिलने वाले हैं और बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलने वाली है जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी ट्रेडिंग सीखने में, तो आपको जो मेरे टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी अगर आप इस वीडियो पे अच्छे से अच्छा कमेंट करते हो तो आप $10 के गिव अवे में भी पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए अभी वीडियो के मेन पार्ट पे आते हैं कि इस स्ट्रेटजी को यूज करके आप कुछ इस तरीके का प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हो, आप किस तरीके से मेरी तरह ट्रेड कर सकते हो, और इस स्ट्रेटजी को आपको सिर्फ और सिर्फ ओटीसी मार्केट में अप्लाई करना है, बाकी किसी भी मार्केट में अप्लाई नहीं करना है। अगर आप किसी और में अप्लाई करते हो तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है। तो आप याद रखना कि इस स्ट्रेटजी को सिर्फ और सिर्फ आपको ओटीसी मार्केट के अंदर यूज करना है, और ये कोई बग नहीं है, ये ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, ये एक ऐसा प्राइजेक्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ ओटीसी मार्केट के अंदर वर्क करता है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको एक चीज दिखा दूं, यहां पे आप देख पा रहे होगे यहां पे अभी 1 मिनट जो है टाइम फ्रेम सेट है। 1 मिनट का मतलब है कि ये हर एक कैंडल जो है 1 मिनट की बनी हुई है। अभी हम इस टाइम फ्रेम को चेंज करके करने वाले हैं 5 मिनट पे, ठीक है। तो यहां पे आपको 5 मिनट देखने के लिए मिल जाएगा, तो हम यहां पे इसको 5 मिनट कर देते हैं। देन 5 मिनट करने के बाद अब मेन चीज स्टार्ट होती है, वो ये कि यहां पे आपको सिंपली क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन लेना है, ठीक है। ट्रेंड लाइन आपको कहां से लेना होगा, आपको यहां पे एक पेंसिल का आइकन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। देन आप थोड़ा नीचे स्लाइड करके आओगे तो यहां पर आपको एक ट्रेंड लाइन का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। ये ट्रेंड लाइन आपको कुछ इस तरीके से यहां पे ड्रॉ कर लेनी है। अब इसको कुछ इस तरीके से परफेक्टली यहां पे कुछ प्लेस करना है आपको इस ट्रेंड लाइन को, ताकि लगे कि हाँ भाई कोई ट्रेडर ने ये ट्रेंड लाइन प्लेस की है, ठीक है। ओके, तो यहां पे हम कुछ इस तरीके से परफेक्ट वे में इसको हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये याद रखना है। यहाँ पे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है, इस टाइम फ्रेम से कम नहीं रखना है, ना 5 मिनट से ना 4 मिनट रखना है, ना 5 मिनट रखना है ना 4 मिनट रखना है, 10 मिनट रखना है, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ही रखना है जब आप ये वाली ट्रेंड लाइन को अप्लाई कर रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो में भले ही वो बोर हो रहे हो आप तो वीडियो पूरा कट कर देना, बट वीडियो को स्किप कर करके मत देखना, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि आप कुछ जरूरी पार्ट्स को मिस कर देते हो जिसके चलते आप जो है अपना प्रॉफिट के बजाय लॉस कर लेते हो। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहूंगा। अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी बोरिंग लग रहा है, या आपको लग रहा है कि स्ट्रेटजी आपके काम की नहीं है, आपको ट्रेडिंग नहीं सीखनी है, या फिर आपको पैसा नहीं कमाना और अपने सपनों को सच नहीं करना है, तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करो, अभी इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अभी मैं क्या आपको बता रहा था आपको कि आपको एक ट्रेंड लाइन लेनी है और इस ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर देना है। देन यहाँ पे प्लेस करने के बाद आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन जो है एक अप ट्रेंड शो कर रही है, मतलब कि मार्केट जो है ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है। अब इससे हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि हमें सिर्फ और सिर्फ अप के लिए ट्रेड लेनी है, ना कि डाउन के लिए ट्रेड लेनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड लेनी है, ना कि रेड कैंडल के लिए ट्रेड लेनी है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। देन इसके बाद आपको क्या करना है, अब टाइम को जो है स्विच कर लेना है। अब टाइम को स्विच करने के बाद 5 मिनट से अब आप आएंगे वापस से
1 मिनट पे, और आपका जो ट्रेड टाइम रहेगा जो यहाँ पे 1 मिनट शो हो रहा है, आपका ट्रेड टाइम जो है 1 मिनट ही होना चाहिए, ठीक है। ये ओटीसी मार्केट के लिए है, प्लीज मेरे भाई मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, ये ओटीसी मार्केट के लिए, तो प्लीज इसको ओटीसी मार्केट में ही यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने 1 मिनट का टाइम फ्रेम जो है यहाँ पे सेट कर लिया है। देन इसके बाद आप देख पा रहे होंगे हमने एक ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ करके रखी हुई है, जो कि हमें अप ट्रेंड शो कर रही है। अब हमें यहाँ पे एक और चीज ड्रॉ करनी है, वो है हॉरिजॉन्टल लाइन। आप यहीं पे वापस से यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ले लेनी है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैं इसका कलर कर देता हूँ येलो, ओके, और थोड़ा सा इसको मोटा कर दूंगा ताकि आपके लिए विजिबल हो अच्छे से। लाइक इसको कर देता हूँ थोड़ा सा मैं 2% कर देता हूँ, ठीक है। और हम इस ट्रेंड लाइन को भी कुछ 2% लगभग कर देंगे, ओके 2% कर दिया, और इसका कलर भी मैं कर देता हूँ येलो ताकि आपके लिए विजिबल हो। बाकी येलो रेड वाइट इनसे कुछ नहीं होता है, बस आपके लिए विजिबल अच्छे से हो इसलिए जो है मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मतलब येलो कलर, ओके। तो अभी आपको SNR लेवल ड्रॉ करने आने चाहिए, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है। मेरे 2 वीडियोस आपको SNR के ऊपर मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, तो आपको उससे जो है आइडिया मिल जाएगा कि SNR लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं। और SNR का मतलब होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको SNR लेवल ड्रॉ करना आएगा तभी आप जो है ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को परफेक्टली प्लेस कर पाएंगे। खैर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे देता हूँ SNR लेवल्स का। SNR लेवल्स क्या होते हैं? SNR लेवल्स कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं जहाँ पे मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देती है। लाइक अभी आप देखें थोड़ा सा मार्केट में बैक आए या फिर यहाँ पे आए, मार्केट ने अगर किसी भी पॉइंट से बाउंस बैक किया है, या फिर मार्केट ने पुल बैक किया है, या फिर मार्केट ने किसी भी पॉइंट को बहुत ज़्यादा बार रिस्पेक्ट दिया है, बहुत ज़्यादा बार तो नहीं बोलूँगा 2 से 3 बार अगर मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? SNR लेवल। और SNR लेवल के लिए आपको जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूँ, लाइक ये सबसे हमारा ग्रेटेस्ट पॉइंट जो है ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आपको SNR लेवल क्यों ड्रॉ करना पड़ा और मैंने क्यों ड्रॉ किया है, यहाँ पे आप देख पाएंगे मार्केट ने इस वाले पॉइंट को जिस पहले पॉइंट पे जो अभी हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी प्लेस है, इस वाले पॉइंट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे के रखा है। देखिए एक बार यहाँ पे दी, देन सेकेंड टाइम यहाँ पे, देन थर्ड टाइम यहाँ पे, देन यहाँ पे, ठीक है। इसको कंसिडर नहीं करते हम, थर्ड टाइम पे करते हैं, एक यहाँ पे एक बार, और यहाँ पे 2 बार, और यहाँ पे 3 बार, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे 3 बार इसको रिस्पेक्ट दिया है इस वाली लाइन को, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आई। अब मेन चीज अब आती है कि आपको ट्रेड प्लेस कैसे करना है। वीडियो छोड़ के मत जाना अगर मैंने आपको बता दिया कि ट्रेड प्लेस कैसे करना है, क्योंकि आपको आगे ये भी बताऊंगा कि आपको ट्रेड प्लेस कहाँ नहीं करना है। क्योंकि कुछ लोग ये मिस्टेक करते हैं कि उन्हें ये तो समझ में आ जाता है कि भाई ट्रेड प्लेस कहाँ करना है, बट उनको ये समझ में नहीं आता है कि भाई ट्रेड प्लेस कहाँ नहीं करना है। इसके बजाय क्या होता है कि इसके चलते क्या होता है, वो लोग वहाँ पे भी ट्रेड प्लेस कर देते हैं जहाँ पे उनको ट्रेड प्लेस नहीं करना है, और ऐसा करके वो अपना लॉस भी कर लेते हैं, प्रॉफिट भी कर लेते हैं, दोनों चीज़ें हो जाती है, 50-50 हो जाती है, और एट दी एंड उनको लॉस में ही जो है एंड करना पड़ता है, और अपना अकाउंट वो ब्लोन कर देते हैं, कभी भी जो है इतना अमाउंट अपने अकाउंट में नहीं देख पाते, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी ये वाली, जो कि हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ की थी, ओके। तो आप देख पाओगे यहाँ पे मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूँ, प्लीज यार अच्छे से समझना, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप कोई भी मिस्टेक करो जिसके बजाय आप लॉस कर दो, ठीक है। ये वाली ट्रेंड लाइन हमने जो है, ये वाली ट्रेंड लाइन आप मेरे कर्सर पे ध्यान दे रहे होंगे, ये वाली ट्रेंड लाइन जो हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ की थी, देन इसके बाद हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ड्रॉ की। और ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन हमने कहाँ ड्रॉ की? जहां पे हमें एक स्ट्रॉन्ग SNR लेवल दिखाई दिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जहाँ पे ये क्रॉस कर रही है लाइन, ये लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इसके इतने एरिया में आप देखोगे मार्केट ने जहाँ भी टच करेगी तो मार्केट यहाँ से 110% जो है ऊपर की साइड जाएगी। और अगर यही ट्रेंड लाइन अगर ऐसी होती, डाउन ट्रेंड में जाती, और फिर हम सेम हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लेस करते और तब भी ये चीज़ होती, तो मार्केट वहाँ से टकरा के ज़रूर से ज़रूर नीचे जाती। अभी देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मार्केट ने इस पॉइंट को टच किया, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन दोनों लाइंस का क्रॉस है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन का और एक ट्रेंड लाइन का, इन दोनों ही लाइन का यहाँ पे क्रॉस हुआ है। अब इनका यहाँ पे क्रॉस हुआ है और मार्केट ने यहाँ पे टच किया है, तो आप देख पा रहे होंगे इसकी पावर कि ये कैंडल इतनी ज़्यादा बड़ी क्यों बनी है। मार्केट में आप देखते होंगे जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं,
और OTC मार्केट में खासकर ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही रहता है कि आप कुछ इस तरीके से जो है मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पे बिहेव कर रहा है। ठीक है, मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा है यहाँ पे। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इतनी बड़ी कैंडल क्यों बनी है। आप इसी कैंडल पे नहीं, आप इस कैंडल पे भी, इस कैंडल पे भी, इस कैंडल पे भी, इन तीनों की तीनों कैंडल्स पे आप ट्रेड कर सकते थे। अब आपको ट्रेड करने के लिए रुकना कहाँ है, किस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेनी है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले थोड़ी डाउन ट्रेंड की बात हो जाए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्रेड कहाँ नहीं लेनी थी। ठीक है, ओके। तो अभी हमारा पॉइंट ये रहेगा कि अभी मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड होता, अभी देखिए मैंने आपको ग्रीन कैंडल पे ट्रेड लेना तो बता दिया, मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो सिर्फ और सिर्फ हमें अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करनी। ओके, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, लाइक हमें कोई भी एक पेयर ले लेना है, थोड़ा सा बेसिक बेसिक बता दूंगा आपको डाउन ट्रेंड के बारे में, तो प्लीज घबराइए मत कि मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला हूँ। चलिए एक डाउन ट्रेंड ढूंढता हूँ मार्केट में, किसी और पेयर में चल देते हैं, जरूरी नहीं है हम इसी पेयर में ढूंढते रहें सब कुछ। लाइक ये वाला डाउन ट्रेंड हम कंसीडर करें क्या, ये डाउन ट्रेंड तो नहीं है, बट सॉरी पहले हमें यहाँ पे 5 मिनट का टाइम सेट करना है, क्योंकि हमें जो है ट्रेंड लाइन वो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेट करनी है, ना कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेट करनी है। ओके, तो लाइक हमें पहले ही कोई भी एक, ओके यहाँ पे हमें थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नहीं बहुत अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, जल्दी से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन प्लेस करेंगे, और ट्रेंड लाइन प्लेस करने के बाद कुछ नहीं करना है, इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर देना है। आप देख पा रहे होंगे, अब मुझे नहीं पता कि आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, बट प्लीज़ अगर आपको समझ में नहीं भी आया है तो इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लेना मेरी जान, प्लीज़ यार इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लेना, इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लेना। या फिर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको लाइक करके रख दो, या फिर वॉच लेटर में सेव कर दो तो आपको दोबारा देख लोगे। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई आप मेरे वीडियो को लाइक करो और अच्छा सा कमेंट करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने ये कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, और इस ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर दिया। देन हम आते हैं वापस से 1 मिनट पे, अभी हम डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं, देन हम वापस से आए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और अभी आप देख पाओगे कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया है। हमारा ये वाली लाइन आपको इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं लगेगी, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे ये करना है। ठीक है, अब हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेनी है, जैसे कि ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम थोड़ा सा थिक कर देंगे, लाइक यहाँ पे हम कर देंगे इसको 2%। ओके, इसको 2% करने के बाद, ओके अब हमारी बात आती कहाँ है। ठीक है, ओके इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेंगे। ठीक है, लाइक ये वाला पॉइंट ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने क्यों कंसीडर किया है, आप अगर थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आप देख पाओगे मार्केट ने इस वाली लाइन को कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी हुई है। एक बार यहाँ पर रिस्पेक्ट दी है, यहाँ पर रिस्पेक्ट दी है, यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट तो भाई मुझे भी नहीं देता कोई। ठीक है, जितना मार्केट यहाँ पर इस लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है। ओके, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि इसका क्रॉस जो है यहाँ पर हो रहा था, मार्केट का जो क्रॉस है वो यहाँ पे हो रहा था। अब ये क्रॉस होने के बाद मार्केट का नीचे जाना तो कंफर्म था, और मेरी जान कुछ ऐसा ही हुआ, मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई। देखिए आप रेड कैंडल कितनी बड़ी बनी है, मैंने बोला ना इस एरिए में जहाँ पे इनका क्रॉस हुआ है उस एरिए में अगर मार्केट इस पॉइंट को टच करती है, इस पॉइंट को टच करती है तो मार्केट नीचे जाएगी ही जाएगी। और यहाँ पे आप सेम चीज़ देख पा रहे होगे, मार्केट जो है नीचे जा रही है। अब बात ये आती है कि भाई हमें ट्रेड करने से रोकना कहाँ है, आप तो बता रहे हो भाई हर कैंडल पे ट्रेड करते चले जाओ क्योंकि यहाँ पे टकरा गई। अब मेन चीज़ यहाँ पे ये आती है कि जब ये क्रॉस निकला, अभी जैसे क्रॉस किस पे निकला था, लाइक कौन से वाले पेयर पे, ये वाले पेयर पे, हम थोड़ा याद रखेंगे NZD CAD के चार्ट पे, है ना। ओके, और यहाँ पे हम ये वाले, अब हमें ट्रेड करने से रुकना कहाँ पे है, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे आपको ग्रीन पे ट्रेड करते जाना है, और यहाँ पे आपको बता दिया कि आपको यहाँ पे रेड पे ट्रेड करना है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, लाइक ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से इस एरिया में यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी थी। अब आपको ट्रेड करने से रुकना कहाँ है वो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और इसकी थिकनेस को भी हम कर देंगे 2%, लाइक कुछ इस तरीके से। ओके, इसकी थिकनेस को हम कुछ 2% कर देंगे, 2% करने के बाद ओके हम यहाँ पे सेम एज इट इज़ इसको प्लेस कर देंगे। अब आप देख पाओगे यहाँ पे मार्केट में
पहले आपने इस वाले एसएनआर को ढूंढ के यहाँ पे ये वाले टच को आपने सर्च किया, अब आपको फिर से एक और एसएनआर लेवल को ढूंढना है जो कि हमें इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो यहाँ पे क्रॉस दे या कुछ भी दे, बट उसको मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पे मार्केट को रिस्पेक्ट मिली हो और हमें जो है वहां पे रुकना पड़े, वहां पे ट्रेड नहीं लेना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस पॉइंट को थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, लाइक ये वाले पॉइंट को हम आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम करेंगे तो आप देख पाओगे। मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, अगर मार्केट में कुछ इस तरीके की डॉजी कैंडल बनती है जिसकी बॉडी और विक सेम रहती है, सेम साइज की रहती है, वो एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल रहता है। तो मैंने इसको यहाँ पे देखा, देन आपको यहाँ पे एक एसएनआर लेवल का एक जो है सिग्नल मिल गया। एक यहाँ पे आप टच देखोगे, यहाँ से मार्केट नीचे आया हुआ, एक ये टच हो गया, और कुछ यहाँ पे भी आप देखोगे मार्केट जब स्टक होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये सब कुछ, आपको एसएनआर का कंप्लीट नॉलेज आपको एसएनआर वाले वीडियो मिल जाएगा। मैं आप बेसिक चीज बता दूं, यहाँ पे मार्केट स्टक हुआ है तो ये भी एक एसएनआर लेवल का हमारा वो हो गया, क्या बोलते हैं, सिग्नल हो गया। अब आप देखोगे कि आपने यहाँ से ट्रेड लेना स्टार्ट किया लेकिन जो नीचे वाला एसएनआर लेवल था वहां पे आपको रुकना था, वहां पे आपको रुकना था, मतलब कि आपने इस कैंडल पे ट्रेड ले लिया तो अभी आपको इस पे रुक जाना है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार देखने के लिए मिले नहीं मिलेगा ये क्रॉस वाली चीज। आप अगर पेयर सर्च करते बैठो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सारे पेयर्स में जो है 5 मिनट की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रख देनी है, देन हर एक पेयर में आपको 1-1 मिनट का टाइम फ्रेम सेट करना है, और आपको जहां जहां भी क्रॉस पे आपको मार्केट आता दिखाई दे वहां वहां पे आपको अपनी ट्रेड प्लेस कर देनी है, सिंपल। और याद रखना है कि नीचे वाली एसएनआर लेवल को भी ड्रॉ करके रखना, या फिर ऊपर कॉल के लिए ट्रेड ले रहे हो, अपके लिए ट्रेड ले रहे हो तो एसएनआर लेवल ऊपर का भी ड्रॉ करके रखना, ताकि आपको समझ में आ सके कि आपको ट्रेड कहां प्लेस नहीं करना है। बस बन गए आप ट्रेडर और आप करने लगे मार्केट में प्रॉफिट, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रख के ट्रेड करना और थोड़ा सा डिसिप्लिन रख के ट्रेड करना, बाकी ये वाली स्ट्रेटजी आपके लिए वर्क करेगी ही। साथ ही साथ आपको अपने लिए भी कुछ सोचना है कि भाई आपको आप कितना पेशेंस रखना है, कि ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तब भी लगे हुए ट्रेड प्लेस करने, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो ये चीजों का भी याद रखना है, बाकी आप इस वाली स्ट्रेटजी से 110% प्रॉफिट जनरेट करने वाले हो। तो प्लीज यार अगर समझ में नहीं आया है कुछ भी तो वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको लग रहा है कि आपको समझ में आना था लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप जो है कुछ नहीं करना है, आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। बाकी अगर आप मेरी ट्रेड्स को पर्सनली कॉपी करना चाहते हो, मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम पे आ सकते हो। मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और VIP ग्रुप को ज्वाइन करने का प्रोसेस तो मैंने आपको बता ही दिया है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉटेक्स का लिंक मिलेगा, आपको वहां से कॉटेक्स का अकाउंट क्रिएट करना है, देन उसमें $30 या फिर उससे जितना भी ज्यादा आप डिपॉजिट कर सकते हो उतना डिपॉजिट करके मुझे अपनी ट्रेडर आईडी सेंड कर देना, तो मैं आपको VIP ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। और ट्रेडर आईडी आपको कहां सेंड करनी है, आपको टेलीग्राम पर TWR support here पे सेंड कर देनी है, तो मैं आपको VIP ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट्स मेरे चैनल पर आते रहते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, जय हिंद, वंदे मातरम।